इजराइल के हमले से 25 फिलिस्तीनियों की मौत। इस्लामिक जिहाद का टॉप मिसाइल कमांडर मारा गया। आतंकियों ने इजराइल पर दागे 507 रॉकेट। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 3 दिन से लगातार हमले जारी हैं। इजराइल रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 महीनों की सबसे बड़ी लड़ाई में अब तक करीब 25 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 64 घायल हुए हैं। इसमें 5 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल ने फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के टॉप मिसाइल कमांडर अली हसन गली उर्फ अबू मोहम्मद को भी मार गिराया है। बुधवार को गाजा में आतंकवादियों ने इजराइल पर 507 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे। इजराइल मिलिट्री के मुताबिक में से 360 रॉकेट बॉर्डर क्रॉस कर पाए, जबकि बाकी गाजा में ही रह गए। वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्स ने गाजा में 158 से ज़्यादा इस्लामिक जिहाद के ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम हमास और फिलिस्तीनियों पर नज़र बनाए हुए हैं, वो छिप नहीं सकते, उन पर कब और कहां हमला करना है ये हम तय करेंगे, साथ ही ये लड़ाई कब ख़त्म होगी इसका फैसला भी इजराइल ही करेगा। इससे पहले 8 मई को गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी। इस मिशन को ऑपरेशन शील्ड एंड एरो का नाम दिया गया था। इजराइल ने फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के टॉप 3 कमांडर और उनके परिवार के लोगों को मार गिराया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा पट्टी पर हमले में फाइटर जेट्स में 40 एयरक्राफ्ट शामिल थे। अटैक से पहले इलाके के 40 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले इजराइलों को बॉम्बे शेल्टर में भेज दिया गया था। गाजा पट्टी में हुआ ऑपरेशन इजराइल की जवाबी कार्रवाई थी। दरअसल पिछले हफ्ते एक फिलिस्तीन ने भूख हड़ताल करके इजराइल की जेल में दम तोड़ दिया था, जिसके बाद फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के बॉर्डर वाले इलाके में कई रॉकेट दागे गए थे।